Students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson 13, right? Time and motion. Yesterday I had discussed up to simple pendulum, right? Today I am going to discuss some terms related to simple pendulum. Kuch terms jo simple pendulum se relate karte hain ya usse jure hue hain, uske bare mein main abhi bataunga. अब देखिए कुछ टर्म रिलेटेड है उससे. एक तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम देखिए. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द बॉब इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द पेंडुलम. यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फिक्स रिजिड शेप से जो स्ट्रिंग लटका हुआ है ये जो लेंथ है जो बॉब से जो अटैच्ड है तो ये लेंथ ऑफ द थ्रेड जो है ना. ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द पेंडुलम. ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहां से वो लटका हुआ है टू द सेंटर ऑफ द बॉब इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द पेंडुलम. राइट, सेकेंड टर्म है मीन पोजिशन ऑफ द बॉब. द पोजिशन ऑफ बॉब वेन इट इज एट रेस्ट. जब बॉब वो जो मेटेलिक बॉल जो है लटका हुआ है, लटका रहता है, सस्पेंडेड रहता है, जब वो रेस्ट के पोजिशन में होता है तो रेस्ट का जो पोजीशन है उसका उस बॉब का द पोजीशन ऑफ द बॉब व्हेन इट इज रेस्ट इज कॉल्ड मीन पोजीशन. उसी को हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं. ठीक है, ये इस फिगर में देखिए यहाँ पर ये ए जो है आपका मीन पोजीशन है क्योंकि इसी में वो रेस्ट वाले पोजीशन में है. दैट्स व्हाई द पोजीशन ए इज टर्म्ड एज द मीन पोजीशन एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिनोटेड बाय एल. सेकेंड, एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द बॉब. एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द बॉब द पोजिशन वेर द बॉब इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस. जहां पर बॉब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है फ्रॉम द मीन पोजिशन आर कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजिशन. जब बॉब मीन पोजिशन से जो मैक्सिमम पोजिशन पर होता है, डिस्टेंस पर होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजिशन. अब इसमें देखिए फिगर में तो ये सर इधर आप देखिए तो बी इज द एक्सट्रीम पोजिशन इधर लेफ्ट में और इधर सी इज द एक्सट्रीम पोजिशन. ठीक है, अब ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम देखिए. वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब अबाउट द मेन पोजिशन. एक जो पूरा कंप्लीट टू एंड फ्रो मतलब दो एंड के बीच में होने वाले मोशन को कहते हैं. जो टू एंड फ्रो मोशन जो है बॉब का अबाउट इट्स मेन पोजिशन जिसमें वो बार बार मेन पोजिशन को क्रॉस करता है उसको कहते हैं ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम. राइट, तो वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब अबाउट द मेन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम. राइट, एग्जाम्पल यहां देखिए ए टू बी फॉर मोशन ऑफ द बॉब फ्रॉम ए टू बी. ए से बी पर गया, ठीक है, फिर बी से वापस लौटा ए पर, फिर वो गया सी पर और फिर जो वापस ए पर लौटा ये हुआ कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन. ठीक है, ए टू बी देन फ्रॉम बी टू सी है ना एंड बैक टू ए इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन. तो उसमें देख रहे हैं बार बार वो मेन पोजिशन जो ए है उसको क्रॉस कर रहा है. तो ए से एक ऑसिलेशन कब होगा, ए से बी पर जाएगा, फिर बी से ए होते हुए सी पर गया, फिर सी से जो ए पर लौटेगा तो ये पूरा जो हुआ वन ऑसिलेशन कहलाएगा, है ना. अब देखिए अगला टर्म है एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम. पेंडुलम का एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं. ठीक है, तो आपको पहले बताया कि ये टू एंड फ्रो मोशन है इसके पास, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है बॉब का फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोजिशन. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब, बॉब का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है चाहे इधर बी की तरफ हो चाहे सी की तरफ हो, है ना. बॉब फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन ऑन अदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम. तो याद रखिए द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम द मेन पोजिशन ऑन अदर साइड दोनों तरफ इट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. दस यहां पर ए बी और इधर ए सी दोनों क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम. चाहे ए बी का लेंथ हो चाहे ए सी का लेंथ हो दोनों क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन. अब देखिए टाइम पीरियड,
ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लिया जाता है, दैट टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं पेंडुलम को। फ्रीक्वेंसी, अब द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय पेंडुलम इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में वो बॉब जो है या वो पेंडुलम जो है कितना कितने बार ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करने का मतलब कितने बार वो कंप्लीट ऑसिलेशन करता है। ए से बी, बी टू सी, देन टू ए इज कंप्लीट ऑसिलेशन, वो कितने सेकेंड में करता है या एक सेकेंड में कितने बार करता है, दैट इज द टाइम पीरियड। ठीक है, वंस तो टाइम पीरियड बता ही दिया, अब एक सेकेंड में कितने बार वो ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कितने बार ऑसिलेट करता है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ इज इक्वल टू वन बाय टाइम पीरियड। ठीक है, अब यहां पर देखिए, टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम स्मॉल मेटल बॉब इज थ्रेड ऑफ लेंथ, ये सब करिए सेटअप सिंपल पेंडुलम, इस तरह से जो फिगर में दिया गया इस तरह से सेटअप करिए, है ना। ये सारा एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये देखिए, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन और टी सेकेंड्स, तो टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन 1/20, तो एक ऑसिलेशन में तो आपको नहीं निकलेगा, तो देखिए 20 ऑसिलेशन में कितना समय लिया, टी सेकेंड, तो टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन तो टी बाई 20, जितना समय लिया उसको 20 से डिवाइड करिए। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन एंड मास ऑफ द बॉब, याद रखिए टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स द सेम अंटिल द लेंथ, तो टाइम पीरियड जो होगा किसी भी पेंडुलम का सेम होगा तब तक जब तक उसके पेंडुलम के लेंथ को अगर चेंज नहीं किया जाए, एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ पेंडुलम के लिए है ना टाइम पीरियड हमेशा एग्जैक्टली सेम होगा, वो चेंज नहीं करेगा। हाँ, जब स्ट्रिंग की लंबाई घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी चेंज करेगा, वेरी करेगा, वही कह रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स द सेम अंटिल द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज चेंज्ड, तब तक जब तक आप उसके लेंथ को चेंज नहीं करते। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन एंड मास ऑफ द बॉब, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ओनली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, लेंथ पर डिपेंड करता है, वो बॉब जो है वो कितना भारी है हल्का है इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो कल आगे हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स है और लेटेस्ट ट्रेंड इन मेजरमेंट ऑफ टाइम और इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली के बारे में कुछ बात करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।